नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद दिशा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने नेम का प्लेट अपने घर पे ही बहुत ही सिंपल और इजी वे से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस प्लेट पे वेलकम लिखा है, लेकिन आप अपना नेम या तो सरनेम इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये दो कार्डबोर्ड का टुकड़ा, और उसको कुछ राउंड जैसी चीज़ हो आपके पास उसे इस तरीके से कॉर्नर पे राउंड में कट कर लीजिए। दोनों कार्डबोर्ड को कट करने के बाद आपस में उन दोनों को इजी आप ग्लू गन की मदद से चिपका दें। दो कार्डबोर्ड को चिपकाने से ये होगा कि आपका जो नेम प्लेट है वो एकदम मजबूत बनेगा और एकदम हार्ड भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास वुडन का कोई टुकड़ा है तो आप यहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बाउल में मैंने ले लिया है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है तो आप वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमें कोई भी वाइट ग्लू यानी कि फेविकल का जो वाइट ग्लू मिलता है वो इसमें ऐड कर देना है 1 से 2 चम्मच, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको एकदम पतला भी नहीं और एकदम गाढ़ा भी नहीं बैटर रेडी कर लेना है। अब इस बैटर को हमें अप्लाई कर देना है इस कार्डबोर्ड के ऊपर। हमें इसके ऊपर इतना लेयर बनाना है कि हम आगे एक डिज़ाइन बनाएंगे वो इसके ऊपर इजीली अप्लाई हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम ज़्यादा भी इसके ऊपर पीओपी नहीं लग जाना चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगा आगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें अप्लाई कर रही हूँ एक पतला सा लेयर। अब कार्डबोर्ड की जो किनारियां हैं उसको भी हमें इस तरीके से कवर कर लेना है ताकि वो दिखे नहीं जहां से हमने जॉइंट लगाया है। अब हमें तुरंत ही अपनी उंगलियों से इस तरीके से प्रेस करके छोड़ना है ऊपर की तरफ, ताकि इसके ऊपर जो 3D इफेक्ट है वो आ जाएगा। आप अपनी चारों पांचों उंगलियों से इस तरीके से कर सकते हैं इस तरह से, ताकि आप देख सकते हैं कि ये एकदम 3D वाला लुक देगा। पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर हमें इस तरीके का 3D लुक दे देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से पूरा 3D इफेक्ट कार्डबोर्ड के ऊपर दे दिया है। तो अब यहाँ पे कोई भी ब्रश या तो पेन की मदद से आपको इस तरीके से लाइनिंग कर देनी है। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ और डिफरेंट तरीके से इसको ऐड कर रही हूँ। को इसे 2 या 3 घंटे के लिए सूखाने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे सूखने के बाद इसको मैं नायलॉन की रस्सी, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी रस्सी अवेलेबल हो, इसकी किनारियों के ऊपर ग्लू गन की मदद से इसको चिपका देना है। अब इसके ऊपर पेंटिंग कलर से एक्रिलिक कलर से इसको पेंट कर देना है। आप अपने मनचाहे कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर येलो लगाऊंगी और बीच में रेड कलर लगाऊंगी। कलर होने के बाद इसको पूरी तरह से सुखा लूँगी।
यहाँ पे वर्ड बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का क्राफ्ट का मोल्ड। अगर आपके पास वो नहीं है तो एमसील भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एमसील से वो स्मूदनेस नहीं आती जो हमें एक वर्ड बनाने के लिए चाहिए होती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उधर से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेट में मैं सिर्फ वेलकम लिख रही हूँ, आप इसकी जगह पर अपना नेम या सरनेम लिख सकते हैं। आप इस तरीके से अपने नेम का जो सब वर्ड्स है वो बना लीजिए। नीचे आप हथेलियों में राउंड राउंड करके इसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं। तो सूखने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रे पेंट से स्प्रे कर दूंगी। आप चाहे तो इसके ऊपर एक्रेलिक कलर से पेंट भी कर सकते हैं। फॉर द डेकोरेशन मैं यहाँ पे लीफ बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके का शेप देके इसके ऊपर मैं कट लगा दूंगी ताकि ये एक लीफ जैसा इफेक्ट देगा, और उसके ऊपर मैं ग्रीन कलर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है एक चाय का कप, यानी कि छोटी सी जो प्याली मिलती है पेपर कप, वो लिया है। उसको मैं हाफ कट कर दूंगी कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर लगा दूंगी एक्रेलिक कलर से पेंट। अब यहाँ पे जो कार्डबोर्ड बनाया है हमने उसके ऊपर यहाँ पे ग्लू गन की मदद से इसको लगा दूंगी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो वर्ड बनाए हैं उसको हम ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। और हमने जो पेपर कप का ये पोट बनाया है उसके अंदर में फ्लावर लगा दूंगी, आर्टिफिशियल के फ्लावर है। तो आपके पास ऐसे फ्लावर नहीं है, कोई भी घर में फ्लावर अवेलेबल हो उसके अंदर आप इसे ग्लू गन की मदद से स्टिक कर दीजिए। और मैंने जो लीफ बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे ऊपर इस तरीके से रैंडमली लगा दिया है, और उसके ऊपर लगा दिया है एक येलो कलर का फ्लावर। और कुछ हाफ बीड्स मेरे पास पड़े हुए थे, आपके पास जो भी स्टोन घर में अवेलेबल हो उसको आप यहाँ पे कुछ रैंडमली उसको लगा सकते हैं। और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिए हैं, और यहाँ पे जो पेपर कप का ये पोट बनाया है उसको पोट इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट फैब एक्रिलिक कलर से उसको डॉट लगा दिया है। तो ये रेडी हो चुका है। और अब नेम प्लेट को हैंग करने के लिए पीछे हम इस टाइप की रस्सी लगा लेंगे, और इस रस्सी को मैंने कुछ हम जैसे चोटी बनाते हैं उस तरीके से एक डिज़ाइन दे दिया है ताकि वो कुछ सिंपल भी ना लगे और कुछ अट्रैक्टिव भी हो जाए। तो आप इस तरीके से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा रख सकते हैं, और उसे हमें कार्डबोर्ड की जो नेम प्लेट बनाई है उसके पीछे हमको लगा देना है ग्लू गन की मदद से। कार्डबोर्ड के पीछे हमने व्हाइट एक्रेलिक कलर कर दिया था ताकि वो कार्डबोर्ड जो है वो कवर हो जाए, दिखे ना कि हमने इसे कार्डबोर्ड से बनाया है। और अब पीछे यहाँ पे मैं इस रस्सी को ग्लू गन की मदद से लगा दूंगी। अब रस्सी के ऊपर हमें कार्डबोर्ड के दो छोटे टुकड़े लेके उसके ऊपर ग्लू गन की मदद से चिपका देना है ताकि वो रस्सी को प्रोटेक्ट करेगा।
तो लीजिए रेडी हो चुका है हमारा नेम प्लेट। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि आप घर पे ही इजी तरीके से नेम प्लेट बनाना ज़रूर सिखाएं, तो मैंने रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश की है कुछ इस तरीके से। अगर आपके भी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, तो मैं जल्दी जल्द आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूँगी। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।